वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज गल करते हाँ नानकसर साहिब की मर्यादा बारे। पहला तो मैं यह दसना चाहना कि नानकसर साहिब वाले गुरु ग्रंथ साहिब जी का पूरा सत्कार करते हैं। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानते हैं तो उन्होंने पूरा पूरा आदर सत्कार करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ गल्लां इन्हां दी मर्यादा बारे मैं तुहानू दसना चाहना, ताकि फिर तुसीं खुद फैसला कर लो ते कमेंटां दे राहीं मैनूं दस्सिओ कि अज साडी कौम दीआं संपदावां, कि अज साडी कौम दे लीडर गुरु दी सिक्खी नूं चंगी तरह समझदे ने। सब तो पहला नानकसर संपदा वाले कहिंदे हन कि गुरु नानक पातशाह भगवान विष्णु दे अवतार सन, जो कि सिक्खी दे मुताबक तां बिल्कुल गलत है ते नाल ही नाल हिंदू धर्म ग्रंथां दे मुताबक भी इह गल बिल्कुल गलत है। इत्थों तक कि दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ के विच इस गल का जिक्र नहीं मिलता कि गुरु नानक पातशाह भगवान विष्णु का अवतार सन। सो इस करके इन्हां दी गल बिल्कुल गलत है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सिक्ख्या के बिल्कुल उल्ट है। हुण आपां गल करते हाँ लंगर की। नानकसर साहिब वाले गुरुद्वारा साहब के विच लंगर तैयार नहीं करते, ये खुद अपना लंगर तैयार कभी भी नहीं करते, क्योंकि इन्हां दा यह मानना है कि जे यह गुरुद्वारा साहिब बैठ के सच्चे दिल नाल भगती करनगे तो रब दूजे भगत जो कि घरां विच बैठे हन उन्हां दे मन विच विचार पैदा कर देवेगा कि वह लंगर घरों तैयार करके नानकसर साहिब गुरुद्वारा विच पहुँचा देन, जिस नूं गुरुद्वारा साहिब विच बैठे भगती कर रहे लोग खा सकन छक सकन। हुण यह गल भी लॉजिकली ते गुरबाणी दे तौर ते बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आपां सारे जानते हाँ कि गुरु नानक पातशाह ने मोदी खाने विच काम कीता ते नाल नाल ओह भगती करदे रहे। गुरु नानक पातशाह ने हल भी वाया, खेतीबाड़ी कीती ते नाल ही नाल सानू सिखां नू उपदेश कीता कि किरत करो, नाम जपो ते वंड के छको। नाल जे आपां इन्हां दे इस कॉन्सैप्ट नू थोड़ी जिही होर डूंघाई विच सोचिए ते इस तरह जापता है कि जिहड़े लोग गुरुद्वारा साहिब दे विच गुरुद्वारा नानकसर साहिब दे विच बैठ के भगती कर रहे हैं उन्हां दी भगती ज़्यादा महान है, तो जिहड़े लोग घर बैठ के भगती कर रहे हैं उन्हां नू उन्हां दी भगती दा घट फल मिलता है। इस तो यह गल्लां ध्यान नाल जे विचार करिए तो इन्हां दे लंगर दा कॉन्सैप्ट भी सिक्खी दे मुताबिक बिल्कुल उल्ट है। नानकसर साहिब दे विच जिहड़े रागी हन, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सेवा वास्ते सेवादार हन, सारे दे सारे अनव्याए होए हन, विहंगम हन। नानकसर गुरुद्वारा विच जिहड़ा बंदा व्याया होवे यानी कि मैरिड होवे ओ बंदा सेवादार या रागी नहीं बन सकता, ते ना ही व्याया होया बंदा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सेवा कर सकता है। हुण आपां इह वी जानदे हाँ कि गुरु नानक पातशाह जी व्याए सन, गुरु नानक पातशाह जी दे बच्चे भी सन, उन्हां दा व्याह भी होया सी, ते बाकी होर गुरु भी गृहस्थी जीवन बिताण दा सानू उपदेश देंदे हन। सो इस करके ये गल भी इन्हां दी मर्यादा दी थोड़ी जिही सिक्खी तो उल्ट है। हुण लास्ट जिहड़ा पॉइंट है वह कोई इन्ना खास पॉइंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं उस पॉइंट के बारे दसना चाहवागा। नानकसर साहिब वाले कहते हैं कि निशान साहिब एक पोलीटिकल सिंबल है यानी कि आर्मी फ्लैग है, मतलब नानकसर साहिब वाले ये समझते हैं कि निशान साहिब जड़ा है वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चिन्ह है, निशान है। लेकिन निशान साहिब सिखा वास्ते क्यों जरूरी है ते निशान साहिब का डूंगा मतलब की है, इस बारे किसी होर वीडियो विच विस्तार नाल गल करांगे। ते एक होर गल मैं दसना चाहवांगा कि बाबा ईशर सिंह जी ने अपने तो बाद किसी होर नूं संपदा दा मुखी घोषित नहीं सी कीता। सो इस करके अज नानकसर संपदा वक्खो वक्ख हिस्सों दे विच डिवाइड हो गई है, वंडी गई है, ते इन्हां वक्खो वक्ख हिस्सों दे वक्खो वक्ख लीडर यानी कि मुखी बन चुके हन। सो इस तरह लगता है कि बाबा नंद सिंह का जिहड़ा ओरिजिनल मिशन सी परमात्मा की प्राप्ति का, गुरु नानक पातशाह के दर्शन का, वो ओरिजिनल मिशन अज किते गवाच गया है, ते थोड़े जे पॉइंट इन्हां दी संपदा दे वो सिक्खी तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सिक्ख्या तो उल्ट हैं। सो दास अज बस इन्नी बेनती करना चाहता है सारे संपदा वाले नूं कि जदों तुसीं अपनी मर्यादा तैयार करो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सिक्ख्या नूं हाजर नाजर जान के तैयार करो, गुरबाणी नूं समझ के अपने मन विच वसा के गुरबाणी दे मुताबक अपनी संपदा दी मर्यादा तैयार करो। सो अज वास्ते इन्नी बेनती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।